सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम में आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन कैसे देख सकते हो। जी हाँ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो और आप लोगों ने किसी ने आपको इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी है और आप देखना चाहते हो वो मिल नहीं रही है, तो किस तरीके से आप लोग देख सकते हो। गाइस, ज़्यादा टाइम गवाते ना हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग सबसे पहले इंस्टाग्राम को प्ले स्टोर से जाके अपडेट करा लेना है, ठीक है। प्ले स्टोर ओपन करना है, देन प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है इंस्टाग्राम, ठीक है। तो हम सर्च बार में टाइप कर देते हैं इंस्टाग्राम। उसके बाद आपको इंस्टाग्राम को चेकआउट कर लेना है कि आपका इंस्टाग्राम अपडेट है या नहीं, ठीक है। तो मैं चलेगा इसे हमने इंस्टाग्राम टाइप कर, उसके बाद सर्च करा है। तो गाइज़, आप लोग इंस्टाग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम अपडेट बोलता है तो आप लोग अपडेट कर लेना है। उसके बाद अपडेट हो जाने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पे लीव की जगह अगर ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। अगर लीव है तो ऑलरेडी आपने ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का नज़र आ जाता है। उसके बाद आपको होम पेज पे आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये मैसेज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखना है, थर्ड ऑप्शन है राइट हैंड साइड में, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, रिक्वेस्टेड, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप लोग जो भी आपकी रिक्वेस्ट आई है तो वहाँ पे शो हो जाती है। फिलहाल मेरे यहाँ पे दो रिक्वेस्टें आई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ ओपन करेंगे उस रिक्वेस्ट को, और आप लोग यहाँ पे एक्सेप्ट भी कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो या फिर ब्लॉक कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी दो रिक्वेस्टें आई हैं, देख सकते हो गाइस, यहाँ पे दो रिक्वेस्ट, इसकी भी है रिक्वेस्ट आई, इसको भी मैं यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर डिलीट या फिर ब्लॉक, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे, मैं इसको एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, चलिए एक्सेप्ट करता हूँ और यहाँ मैं यहाँ पे परमानेंटली क्लिक करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, आप लोग यहाँ पे इस तरीके से एक्सेप्ट और कर सकते हो। तो गाइस, आप लोग रिक्वेस्ट पे आकर इस तरीके से आप लोग देख सकते हो गाइस, ठीक है। सो गाइस, आशा करता हूँ गाइस जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। तभी भी आपको अपने इंस्टाग्राम में राय रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम आपको जल्द से रिप्लाई कर देंगे। गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।